नमस्कार, IN7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैलन पारासर। इस वक्त की खबर आ रही है मुंगावली से, जहां भारतीय पंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव ने हमारे संवाददाता करमजीत कौर से खास बातचीत की। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ चर्चा हुई और क्या चुनावी एजेंडे पे पार्टी काम कर रही है। नरेश यादव जी से बात करते हैं। भारतीय पंचायत पार्टी के एजेंडा ग्राम विकास, युवा विकास और छोटा जो स्मॉल व्यापारी है उसका विकास और सभी ST/ST माइनॉरिटी के विकास के लिए मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और इस मध्य प्रदेश की जो हालत है, जो पिछड़ापन है, आज 71 साल की आज़ादी के बाद उसको ठीक करने के लिए जो आज गाँव की स्थिति है, किसान की स्थिति है, वो आपके सामने कोई छुपी नहीं है। 71 साल में जितना हमारा देश पिछड़ा है, शायद दुनिया में कोई देश नहीं पिछड़ा है। तो भारतीय पंचायत पार्टी किसानों के उत्थान के लिए, किसान के भविष्य के लिए, चिंता के लिए क्लास को मैदान में उतरी। अच्छा, जैसे आज बीजेपी 3 पंचवर्षीय योजना से बीजेपी और कांग्रेस का जैसे कद बढ़ा है, उस संबंध में आपकी पार्टी क्या उम्मीदवार? देखिए, जो बीजेपी और कांग्रेस का कद बढ़ा रहा, जनता ने विश्वास किया 50 साल तक कांग्रेस पे, बीजेपी को विश्वास किया, लेकिन उनका कद बहुत घट गया है। उनकी जो राजनीति है बहुत घटिया स्तर की हो गई है। आज 2.25 लाख लगभग किसान आत्महत्या कर चुका है इस देश में, तो विद्यार्थी यहाँ आत्महत्या कर रहा है। और एजुकेशन पर जो GST लगाया गया है, बड़ा ये शर्मनाक की बात है, किसानों पर GST लगाया गया है। तो भारतीय पंचायत पार्टी का कद जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है किसानों के बीच में और देश की सभी राज्यों में, भारतीय पंचायत पार्टी जो आज एक नई पहल शुरू की है, उसने इस देश में 71 साल से कभी गांव विकास पर काम नहीं हुआ, शिक्षा पर काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य पर काम नहीं हुआ। आज नदियों के देश में पानी बिक रहा है और यहाँ असली मालिक उजड़ गए और नकली मालिक कहाँ बैठे। जो स्वदेशी का नारा था भारतीय जनता पार्टी का, वो आपके सामने है। सारा विदेशी माल देश में लाया जा रहा, 100% FDI लाई जा रही है। आज जो डीजल की बात करो, पेट्रोल की बात करो या अन्य किसी भी चीज़ की बात करो, महंगाई किस आसमान को छूने लगी है। तो भारत पंचायत पार्टी के रास्ते आसान है, किसान विकास के राह जो रहा है और विकास के रास्ते पर भारतीय पंचायत पार्टी अपनी सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में 230 सीटों। आज जो भारत में युवा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए जो स्थिति है और महिलाओं की जो और खराब स्थितियाँ हैं, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज इस देश में जो 7 करोड़ जो युवा है 18 से 40 साल वाला, 47 करोड़ युवा आज भारत में नौकरी मांग रहा, रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज है, लेकिन 47 लोगों को किसी भी राज्य में नौकरी नहीं दी जा रही है। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। और जो महिलाओं की बात करें, मध्य प्रदेश भारत का मध्य क्षेत्र है और बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ महिलाओं की सबसे घटिया हालत है, सबसे ज़्यादा रेप किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया जा रहा। किसी भी स्थिति में महिलाओं का जो शोषण बंद नहीं हुआ है, 15 साल से यही की सत्ता रही है। आज वो किस मुंह से जनयात्रा की बात करते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए और जनता के बीच में माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस स्थिति में वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जमानत जब्त हो गई है ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसे नेताओं की। और भारतीय पंचायत पार्टी युवाओं के लिए संकल्पबद्ध है, युवाओं को रोजगार के भारतीय पंचायत पार्टी से जनता को कितना समर्थन, जनता का कितना समर्थन मिलता है, ये चुनाव होने के बाद में ही पता चलेगा। IN7 से करमजीत कौर, नमस्कार।